हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, वो शिपकट सॉफ्टवेयर के बारे में। मैं आपको शिपकट सॉफ्टवेयर में पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, हाउ टू मेक पैरामीटर, आप पैरामीटर कैसे सेट करेंगे, कोई भी थिकनेस हो, कोई भी मटेरियल हो, जैसे एल्युमिनियम हुआ, एसएस हुआ, मिल्ड स्टील हुआ, कोई भी मटेरियल का आपको कटिंग करने के लिए पैरामीटर कैसे सेट करेंगे शिपकट सॉफ्टवेयर में। तो चलिए फ्रेंड, लेट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आपको मैं बताता हूँ। चलिए सॉफ्टवेयर ओपन हम लोग करते हैं, शिपकट सॉफ्टवेयर। जिसके पास फ्रेंड, अगर आपके पास शिपकट सॉफ्टवेयर नहीं भी होगा तो मैं लिंक में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा और आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड, मैं आपको पैरामीटर भी दे दूंगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो भी मैं बता दूंगा और सॉफ्टवेयर भी दे दूंगा। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। देखिए, ये शिपकट सॉफ्टवेयर है फ्रेंड, ये शिपकट सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम ये कोई जॉब ले लेते हैं, अदरवाइज जॉब ले लेते हैं। जॉब को इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए बाकी टूल्स तो मेरा पिछला वीडियो में मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ फ्रेंड, कि वीडियो में कैसे ओपन करेंगे, उसके बाद कैसे उसको सेव करना है और कैसे उसको लीड लाइन देना है, बाकी इसके लिए बाकी जितना टूल है स्क्रीन का शिपकट सॉफ्टवेयर का, तो टोटल मैं ये आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में, लास्ट वीडियो में इसका। तो फ्रेंड, चलिए आज का टॉपिक है पैरामीटर सेट कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं फ्रेंड। चलिए एक फाइल को इंपोर्ट करते हैं, ये कोई भी ले लेते हैं, सपोज दैट ये एक फाइल ले लिए। ओके फ्रेंड, ये आउटर हम डिलीट कर दिए और ये इसको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के लिए मैं कलर चेंज कर लूँगा फ्रेंड। ओके, जब भी मार्किंग होगा तो ये जो ग्रीन रहेगा वो कटिंग और ये रहेगा, तो ये कोई भी कलर आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ये रिमाइंड रहना है कि जो कलर रहेगा जब लेयर में जाकर उसको, जब ये लेयर में जाइएगा तो उसको मार्किंग कर दीजिएगा, नहीं तो ये भी कटिंग होने लगेगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग पैरामीटर को कैसे सेट करते हैं और पैरामीटर किधर से सेट करेंगे। देखिए, पहले आपको पैरामीटर इसमें ये कटिंग करने के लिए भी, अगर सपोज दैट ये एल्युमिनियम 3 mm है फ्रेंड, मान लेते हैं एल्युमिनियम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एसएस, फिर उसके बाद एमएस, फिर उसके बाद जीआई। तो फ्रेंड, आज हम एल्युमिनियम 3 mm का पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे। 3 mm का पैरामीटर कैसे सेट होगा, तो ऐसे लोड भी करने के लिए, कटिंग करने के लिए आपको पैरामीटर कैसे आप लोड करेंगे इसके अंदर। ये सपोज दैट हमको 3 mm एल्युमिनियम में कट करना है, तो ये देखिए फ्रेंड, लेयर दिया हुआ है फ्रेंड, लेयर F2 भी क्लिक करेंगे तो लेयर आ जाएगा। देखिए, F2 मैं क्लिक किया शॉर्ट कमांड तो आ गया लेयर, अदरवाइज आप लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है फ्रेंड, ग्लोबल पैरामीटर लेयर 1 लेयर 2। अब ये आपके अंदर में ये सवाल उठता होगा कि ये लेयर 1 ग्रीन है और लेयर 2 ऐसा कलर का है, ऐसा क्यों दो लेयर क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड ये आप देखिए इस वीडियो में आप ये कलर चेंज कर लिए हैं, तो ये जो ग्रीन लेयर है ये मार्किंग करने के लिए, ग्रीन जो लेयर है वो कटिंग करने के लिए, और ये जो लेयर है इसको आप मार्किंग करने के लिए। तो मार्किंग करने के लिए भी आपको ये देखिए, मार्किंग करने में ये जो है इसमें आपको पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा, इसको वैसा पैरामीटर बनाना पड़ेगा, और पावर भी कम करके रखेंगे क्योंकि मार्किंग करना है, कटिंग नहीं करना है फ्रेंड। तो ओके, चलिए पहले कटिंग का पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे कि कैसे हम लोग कट करेंगे फ्रेंड। ओके, और लोड करने के लिए पैरामीटर आपको बता दे रहे हैं, ये देखिए पैरामीटर के नीचे ग्लोबल पैरामीटर है, ये ग्लोबल पैरामीटर हुआ, ये ज़्यादातर टेक्नीशियन चेंज करते हैं, लेकिन मैं भी आपको इसके बारे में भी टोटल हम बता देंगे फ्रेंड, क्योंकि ये बार बार चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ये ग्लोबल पैरामीटर जो है इसको बार बार चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू जो चेंज करने वाला है ये है। इसमें आप कटिंग स्पीड अगर अच्छा से आपको कटिंग नहीं कर रहा है तो फ्रेंड इसमें केवल कटिंग स्पीड आप चेंज कर सकते हैं, और गैस प्रेशर आप बढ़ाकर और कमती करके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको फोकस पोजीशन है वो फोकस पोजीशन आपको ये करके देखना है फ्रेंड। एमएस एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम का आज बात कर रहे थे, इसमें जो भी फोकस पोजीशन रहेगा
सब टोटली प्लस में रहेगा। जितना आप नाइट्रोजन या बाई एयर कट करेंगे फ्रेंड, वो टोटली फोकस पोजीशन प्लस में होना चाहिए। और जो एमएस का कट करेंगे मिल्ड स्टील, उसका जो फोकस पोजीशन आप डालेंगे या सेट करेंगे तो टोटली माइनस में होना चाहिए फ्रेंड। ये भूल कर भी प्लस में मत डालिएगा फ्रेंड, ओके। चलिए, तो ये ग्लोबल पैरामीटर लेयर, लेयर वन लेयर टू हो गया। उसके बाद ये लोड दिया हुआ है और सेव दिया हुआ है फ्रेंड। ये लोड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको येस किया और ये आपको बताएगा कि आपका पैरामीटर कहाँ पे है फ्रेंड। अगर कोई आपका पैरामीटर है इसके अंदर, ये देखिए मेरा पुराना पैरामीटर है, तो आपको पैरामीटर, ये आपको डेमो फ्रेंड बता रहे हैं। मैं मशीन के पास भी एक बार लेकर चलेंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मैं ये ऑफिस में, ये मेरा पास डेमो सॉफ्टवेयर में आपको ये सब बता रहे हैं। तो कुछ अगर प्रॉब्लम भी हुआ होगा या कोई भी डाउट होगा जब आप मशीन चलाते होंगे या उसमें आप सेट करते हैं, कोई अगर डाउट आ भी गया या कुछ भी प्रॉब्लम, तो मैं लिंक में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किए रहेंगे या ईमेल आईडी, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ओके फ्रेंड। तो चलिए, ये लोड और सेव, ये सेव करने के लिए आपको ये टोटल राइटिंग करने के बाद में सेव करके वो कितना एमएम का थिकनेस का पैरामीटर है वो सेव कर लीजिएगा फ्रेंड, और लोकेशन आप चूज कर लीजिएगा। ये देखिए, ये डिजेबल है तो ये डिजेबल ही रहेगा फ्रेंड, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो डिजेबल फॉलो है इसका भी फ्रेंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजेबल फॉलो ही रहेगा। और ये कीप पूफिंग है, ये जो पूफ करते हैं, रिमोट में भी दिया रहेगा, ये पूफ करते हैं ना वो, तो उसके लिए है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ये जो दिया हुआ है शॉर्ट मूव, तो शॉर्ट मूव का भी, शॉर्ट मूव भी जो मूव करता है ना, तो वो बहुत स्लो मोशन ये करने के लिए, इसका भी कोई यूज नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्री पियर्स है फ्रेंड, ये बहुत मोस्टली फ्रेंड, इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। प्री पियर्स, प्री पियर्स क्या है? प्री पियर्स वो है जो हम प्लंजिंग करते हैं, ये ज़्यादातर एमएस में आफ्टर 20 mm, नो अदरवाइज आफ्टर 16 mm से स्टार्ट है। अगर 16 mm 16 mm का आप कटिंग करेंगे एमएस मिल्ड स्टील, तो उसमें आपको प्री पियर्स मोस्टली यूज करना है। 12 mm में उतना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड, लेकिन कोई कोई जंग मटेरियल लगा हुआ रहता है फ्रेंड, तो आपको मटेरियल के हिसाब से आप डाल भी सकते हैं। प्री पियर्स वो चीज़ है कि जिसे मैं एक बार प्लंजिंग किया तो उसके ऊपर में थोड़ा सा स्लैग आ जाता है फ्रेंड, तो स्लैग फिर आप तो वन वन पीस को तो ऐसे स्लैग को रिमूव नहीं करेंगे, तो इसीलिए प्री पियर्स कर लेंगे, ताकि फर्स्ट बार पियर्सिंग करने के बाद में डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे, प्री पियर्स सेकेंड लास्ट टाइम वो थोड़ा सा उसका रिमूव करेगा, रिमूविंग स्लैग उसको बोलते हैं, स्लैग रिमूव। किसी किसी का सॉफ्टवेयर में स्लैग रिमूवल लिखा होगा फ्रेंड, किसी किसी का सॉफ्टवेयर में प्री पियर्स, सिपकट में ज़्यादातर सिपकट में प्री पियर्स लिखा होगा। और सिपकट का जो डीएनए का जो सिपकट है, जो डीएनए में काम कर रहा है, अटैच है दोनों सॉफ्टवेयर फाइबर लेजर में, तो उसमें लिखा होगा स्लैग रिमूवल। तो आप ये दोनों एक ही चीज़ है फ्रेंड, तो आपको प्री पियर्स उस समय क्लिक करना है जब 12 mm 16 mm का कटिंग कर रहे हैं, उस समय आपको प्री पियर्स यूज करना है फ्रेंड, ओके। या भी ये हमको नहीं यूज करना है, ये फिल्म कट है फ्रेंड, ये मोस्टली आपको चाहिए। आपको एसएस में भी ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड, एल्युमिनियम में भी ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड, और आपको मिल्ड स्टील में भी, ये हर जगह फ्रेंड फिल्म कट। ये फिल्म कट क्या है फ्रेंड? देखिए, फिल्म कट यह है कि जो मटेरियल का जो फर्स्ट परत जो होता है ऊपर का हिस्सा, उसको थोड़ा सा मार्किंग करेगा, ये फिल्म कट है, मार्किंग करने का काम में आता है फ्रेंड। तो आप सोचे होंगे कि आप तो एसएस का भी बोल रहे हैं, एल्युमिनियम का भी बोल रहे हैं, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगा, और एमएस में तो जो जंग लगा हुआ रहेगा तो वो तो 100% उसमें ज़रूरत पड़ेगा मार्किंग करने के लिए। तो फ्रेंड एसएस में क्या है ना कि कोई कोई प्लास्टिक के साथ में आता है एसएस का सीट, तो फिल्म के साथ में अटैच आता है एसएस का सीट, तो आप डायरेक्ट ऐसे अगर कटिंग करते हैं तो उसमें साउंड आएगा और प्लस में मूव होने का सीट चांस रहेगा फ्रेंड, इसीलिए आप उस वहाँ पे फिल्म कट यूज कीजिएगा। लेकिन इतना केयर कीजिएगा कि वहाँ पे नाइट्रोजन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा गैस, मार्किंग करते समय में आप फिल्म कट जब यूज कीजिएगा तो वहाँ पे आप जरूर अगर एमएस का मार्किंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑक्सीजन सेलेक्ट करना है फ्रेंड। अगर आप बाई एयर यूज कर रहे हैं या नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, जैसे मैं जीआई का कटिंग कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, या एल्युमिनियम का कट कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नाइट्रोजन या एयर यूज करना है फ्रेंड। डिपेंड करता है कि आपका मशीन किस पे चल रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मशीन 50-60% 70% आजकल लोग ज़्यादा पावर का लेते हैं मशीन, तो ज़्यादातर बाई एयर यूज करते हैं,
भाई एयर कट करते हैं, नाइट्रोजन बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है वही लोग नाइट्रोजन यूज करते हैं फ्रेंड। तो चलिए फिल्म कट हो गया फ्रेंड। अब पथ पुल का ज़रूरत नहीं है, उतना मोस्टली यूज नहीं होता है, मल्टी टाइम्स ये भी उतना यूज नहीं होता है फ्रेंड। तो अब चलिए आपको दिखाता हूँ कटिंग स्पीड फ्रेंड। तो आपको कटिंग स्पीड कितना डालना है, तो देखिए एल्युमिनियम कटिंग करना है तो 2.4 आप डाल लीजिए, ये 2.4 मीटर पर मिनट है फ्रेंड, मीटर पर मिनट, मतलब कि 2.4 मीटर मीन्स आप समझ जाइए कि 2400 mm, एक बार जब कटिंग करेगा तो एक मिनट के अंदर में 2400 mm 2.4 मीटर आपका मशीन कट करेगा फ्रेंड। और ये जो लिफ्ट हाइट है फ्रेंड, तो लिफ्ट हाइट आपको 18 mm रखना है, 15 है आपको 18 mm कर देना है फ्रेंड। ओके, लिफ्ट हाइट क्या है फ्रेंड, लिफ्ट हाइट जो हम प्लंजिंग जब करते हैं ना, तो प्लंजिंग 18 mm के ऊपर से आपको प्लंजिंग करेगा। ओके फ्रेंड, आपको कटिंग हाइट, वहाँ कहीं कहीं देखिए कटिंग हाइट लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं आपको नोजल का हाइट लिखा हुआ रहेगा फ्रेंड, तो आप दोनों सेम ही है फ्रेंड, तो इसको हम 0.8 रखें। ये देखिए ये क्यों 0.8 रखें, ये नोजल का हाइट है, जो आपका कटिंग हेड का नीचे जो नोजल लगा हुआ है ना फ्रेंड, तो नोजल जो कटिंग करता है तो एक तो पियर्सिंग का मतलब वो केवल प्लंजिंग करेगा, तो 18 mm से प्लंजिंग करेगा, वो जो लिफ्ट हाइट है, लिफ्ट हाइट क्या हुआ है ना फ्रेंड, सॉरी लिफ्ट हाइट वो है फ्रेंड कि जो एक पीस कटिंग करने के बाद में सेकेंड पीस कट करने के लिए जाएगा तो 18 mm आपका ये ऊपर से उठ कर जाएगा फ्रेंड। और ये जो कटिंग हाइट है, ये आपका जो नोजल है जो पार्ट कटिंग करेगा तो वो उसका वो हाइट है, तो 0.8 mm है, 0.8 mm पूरा मतलब सीट के ऊपर सटा करें वाली 0.8 mm मटेरियल और नोजल के बीच डिफरेंट रहेगा फ्रेंड। और ये चलिए दिया हुआ है कटिंग गैस, कटिंग गैस पे आपको सेलेक्ट करना है फ्रेंड। इसमें आपको दो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एक तो ऑक्सीजन दिया होगा, एक नाइट्रोजन दिया हुआ है फ्रेंड। तो अगर आप एल्युमिनियम कट कर रहे हैं तो आप नाइट्रोजन सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो आपके दिमाग में ये डाउट होगा फ्रेंड कि इसमें एयर क्यों नहीं राइटिंग किया हुआ है। देखिए फ्रेंड, अगर आप एयर भी यूज कर रहे हैं ना, तब भी नाइट्रोजन इसमें दो ही गैस आपको शो करेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको जब भी एयर से कट कीजिएगा तो नाइट्रोजन सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन आपको तो ऑलरेडी मालूम है कि मेरा टंकी क्या है, मेरा जो गैस उधर से सप्लाई है तो क्या एयर आ रहा है कि नाइट्रोजन आ रहा है। तो आपका एयर का टंकी होगा तो एयर आएगा लेकिन नाइट्रोजन नाम रहेगा फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन सेलेक्ट करना है फ्रेंड। अब ये देखिए आ गया कटिंग प्रेशर, तो आपका उसका जो प्रेशर रहेगा तो आपको कितना बार चाहिए फ्रेंड। तो चलिए हम इसके अंदर डाल दिए 7 bar। ओके फ्रेंड, हम इसके अंदर 7 bar डाल दिए। और ये देखिए कटिंग करेंसी दिया हुआ है कटिंग, तो इसका आप 100 डाल सकते हैं, लेकिन ये क्या है ना कि कटिंग पावर आपको ज़्यादा नहीं रखना है। आपको अगर 4 kW का, ये 4 kW का मशीन रहेगा तो आपको 80% आप इसका ये डालिएगा। और इसका जो कट फ्रीक्वेंसी है, तो इसका कट फ्रीक्वेंसी आपको 2000 रखना है फ्रेंड, 2000 आपको कट फ्रीक्वेंसी रखना है इसका। और फोकस पोजीशन दिया जो है इसमें, देखिए अभी ये डेमो है इसकी वजह से शो नहीं कर रहा है, उसमें माइनस में रखना नहीं, एमएस जो है एमएस में माइनस में रखते हैं, इसमें प्लस में रखना है, प्लस 0.5 रखना है। और उसके बाद में अगर आपका कटिंग नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है, फोकस पोजीशन को इंक्रीज करना है, उसके बाद में पावर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, पावर को थोड़ा कमती करना है फ्रेंड। और उसके बाद में गैस जो प्रेशर है नाइट्रोजन का, उसको थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, और जब इससे भी ओकर नहीं हुआ, उससे पहले अगर कटिंग आपको अच्छा से नहीं कर रहा है फ्रेंड, तो फर्स्ट आप सेंटर बीम चेक कीजिए। सेंटर बीम चेक करना भी एक, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे फ्रेंड। सेंटर बीम फर्स्ट चेक कीजिए, सेकेंड आपको चेक करना है लेंस, क्योंकि जब भी एयर यूज करते हैं ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर मार्क आ जाता है फ्रेंड, तो आपको लेंस चेक करना है। ये दोनों जब ओके है तो थर्ड नंबर नोजल आपको चेक करना है।
कि नोजल के डाउन साइड में डस्ट तो नहीं ना लग गया होगा फ्रेंड, तो उसको थोड़ा सा रिमूव कर देना है, क्लीन कर लेना है। तो डस्ट क्लीन करके बाकी ये भी तीन पीस ओके है। उसके बाद में उससे भी सही ऐसा गने कटिंग करना है, तब जाकर ये आपको टोटली जो बताए हैं तो ये चेंज करना है गैस प्रेशर और फोकस पोजीशन। और उसके बाद में भी नहीं हुआ तो जो कटिंग स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा थोड़ा कमती करके देखेंगे और बढ़ाकर देखेंगे फ्रेंड, ये यूज करना है फ्रेंड। उसके बाद में आपको ये हो गया। अब ये देखिए स्टेप टाइम या पियर्सिंग का, पियर्सिंग का क्या है फ्रेंड, ये देखिए मोटा थिकनेस रहेगा फ्रेंड तो आपको सेकेंड या थर्ड पियर्स रहेगा, लेकिन अभी ये इसमें डायरेक्ट रहेगा क्योंकि 3 mm का है तो इसमें टू पियर्स ज़रूरत नहीं है। 8 mm 10 mm रहा था तो 2 पियर्स का ज़रूरत पड़ता फ्रेंड, तो इसमें 1 पीस एनफ है फ्रेंड। और इसमें देखिए ये स्टेप टाइम दिया हुआ है, तो ये स्टेप टाइम इसके लिए दिया हुआ है, जब ये सब रखेगा रहेगा 2 stage 3 stage तो ये 2 stage 3 stage के लिए दिया हुआ है। इसके अंदर स्टेप टाइम हम डालेंगे पियर्सिंग का, फिर इसमें हाइट डालेंगे पियर्सिंग का, ये उसके लिए हम फ्रेंड डालेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए ये हो गया। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया फ्रेंड, और ये 16 मिनट का हो गया। तो ऐसा करते हैं कि चलिए नेक्स्ट जो इसके अंदर जो बैलेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं फ्रेंड। चलिए, और आपको फ्रेंड मैं एक न्यू वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहूँगा, अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। और मैं हमेशा इसका टोटली आपको वीडियो हिंदी में लेकर आएंगे फ्रेंड, टोटली हिंदी में लेकर आऊँगा। और आपको 1.5 kW का, 4 kW का और 12 kW का और 6 kW का टोटल का पैरामीटर कैसे सेट करेंगे और उसका सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा वो टोटल चीज़ हम आपको बताएंगे फ्रेंड। कोई भी डाउट होगा फ्रेंड तो हम व्हाट्सअप नंबर हम अपना डाले रहेंगे लिंक में, आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और हेड कैसे ओपन करते हैं और लेंस कैसे ओपन करते हैं, नोजल कैसे ओपन करते हैं, सेंटर बीम कैसे चेक करते हैं, ये टोटल डिटेल्स बताएंगे। हेड भी कैसे ओपन करेंगे, हेड ओपन करेंगे तो कितना केयरफुली करना है, टोटल फ्रेंड हम आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते जाएंगे और आपको बताएंगे फ्रेंड। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसको लाइक कर दीजिएगा। और थोड़ा बहुत कुछ डाउट भी होगा या कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड, और अपने दोस्त लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि जितना ही शेयर करेंगे उतना ही दोस्त लोग जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। आजकल देखिए फ्रेंड, एजुकेटेड का बहुत ज़रूरी नहीं है, जो लोग काम सीख गया ना तो इंजीनियर लोग भी फेल है उसके आगे। तो इसीलिए फ्रेंड आप लोग ये काम सीख जाइए डिजाइनिंग का और सॉफ्टवेयर का, अगर आपको अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा और अच्छा खासा आप अच्छा से काम कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, थैंक यू, बाय फ्रेंड।